वन नंबर इज थ्री टाइम्स अनदर नंबर इफ 15 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स अरे वेरी इजी देन वन न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस दैट ऑफ द अदर न्यू नंबर फाइंड द नंबर्स अरे दिस वन इज वेरी इजी ये तो बहुत ही आसान सवाल है वन नंबर एक आप एन वन ले लो एक नंबर को एन वन ले लो एक नंबर को एन टू ले लो सो वन नंबर सपोज एन वन इज थ्री टाइम्स ऑफ एन टू सपोज ठीक है इफ 15 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स एक कंडीशन तो ये हो गई अगर 15 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स तो एक नंबर हो जाएगा एन वन प्लस 15 और एक नंबर हो जाएगा एन टू प्लस 15 इफ 15 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स देन वन ऑफ द न्यू नंबर्स बिकम्स ट्वाइस ओके ठीक है सो और वो ट्वाइस कौन सा बनेगा जो बड़ा वाला है दिस वाला ये वाला नंबर बड़ा होगा ना कि दिस इज नथिंग बट थ्राइस ऑफ एन टू सो देन वन ऑफ द न्यू नंबर्स सो एन वन प्लस 15 विल गोइंग टू बिकम ट्वाइस द अदर न्यू नंबर ट्वाइस इन टू एन टू प्लस 15 ठीक है सो दो इक्वेशंस यहाँ से आ गई हैं आपके पास ठीक है सो दिस विल बी एन वन प्लस 15 इज इक्वल टू टू एन टू प्लस 30 ओके यहाँ पर एन वन की वैल्यू यहाँ पर रख दो एन वन इज थ्री एन टू सो थ्री एन टू प्लस 15 इज इक्वल टू टू एन टू प्लस 30 ओके चलो तो यहां पर कितना जाएगा दिस विल बी थ्री एन टू माइनस टू एन टू इज इक्वल टू 30 माइनस 15 सो एन टू विल गोइंग टू कम हाउ मच 15 एन टू 15 आ गया तो एन वन इज थ्राइज ऑफ एन टू सो 15 टू 3 विल बी नथिंग बट 45 सो एन वन इज इक्वल टू 45 एन टू इज इक्वल टू 15 सो सिंपल ये तो बहुत जल्दी हो गया है सवाल ओके वेरी सिंपल एन वन 45 एंड एन टू 15 ओके तो कंडीशंस क्या क्या दी थी मुझे सबसे पहले हमने दो नंबर्स लिए लेट एन वन एंड एन टू बी टू नंबर्स इसको आप अच्छे से लैंग्वेज जरूर लिखना फिर कंडीशन क्या दी थी कि जो एन वन है दैट इज नथिंग बट थ्राइज ऑफ एन टू ठीक है अब क्या था 15 इज एडेड टू ईच द नंबर अगर आप एन वन में भी 15 ऐड कर दो एन टू में भी 15 ऐड कर दो लेकिन आपको मालूम होना चाहिए दैट एन वन वाला जो नंबर होगा दैट विल बी ग्रेटर देन एन टू वाले नंबर से क्योंकि एन वन इज थ्राइज ऑफ एन टू दोनों में 15 जोड़ेंगे अगर जो बड़ा है फॉर एग्जाम्पल मैं फिर से कृष्णा की बात करता हूँ जैसे मेरी एज कृष्णा से बड़ी है तो मेरी एज में 15 और कृष्णा की एज में 15 जोड़ोगे तब भी तो मेरी एज ही बड़ी होगी ना तो एन वन बस प्लस 15 विल बी ट्वाइस ऑफ एन टू प्लस 15 ठीक है ये कंडीशन दे रखी है सेकंड वाली इसको सॉल्व करेंगे ठीक है और एन वन की वैल्यू रखेंगे और एन टू आ जाएगा और उससे एन वन आ जाएगा ठीक है ओके okay?